वे एक माह के भीतर सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। हम चाहते हैं नए भवनों में बिजली कनेक्शन भी तभी दिए जाएं जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यूनिट वहां लगा दी जाए। आपने नरवा गरवा घुरवा बारी योजना से शहरों को जोड़ने के बारे में कहा है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस दिशा में भी काम शुरू हो गया है। वी वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भूजल की रिचार्जिंग की परियोजना बनाई गई है। जहां तक कुओं के उपयोग का सवाल है, तो मैं प्रदेश की जनता से, स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से, स्वयंसेवी संगठनों से अपील करता हूं कि पुराने कुओं की साफ सफाई कराएं, पुराने कुओं को जाली आदि लगाकर सुरक्षित करें ताकि इससे कोई दुर्घटना ना हो। आजकल छोटे भूखंडों पर घर बनाए जाते हैं जिसमें कुओं का निर्माण कठिन होता है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली अपनाई जाती है। लेकिन जहां पुराने कुएं हैं उनका पूरा सम्मान और व्यवस्था हो, इस बारे में आप लोग भी सोचें और हम भी कोई अभियान इसके लिए छेड़ेंगे। पेयजल की बात आपने की है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही 212 करोड़ रुपया लागत से रायपुर शहर वृहद पेयजल आवर्धन योजना की शुरुआत कर दी गई है। घरेलू पेयजल कनेक्शन से वंचित बीपीएल परिवारों के लिए मिनी माता अमृतधारा नल योजना शुरू की गई है। फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेज्ड वाटर अर्थात सीलबंद पानी उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी सर्वजल योजना शुरू की गई है। आपदाग्रस्त स्थानों अर्थात जहां भूजल प्रदूषित है वहां सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना शुरू कर दी गई है। सुपेबेड़ा में तेल नदी का जल शुद्ध करने के लिए सुपेबेड़ा जल योजना शुरू की गई है। चंदखुरी जिला दुर्ग में समूह पेयजल योजना के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा रहा है। हमने नरवा से लेकर नदियां तक सबकी चिंता की है। सरकार बनते ही रायगढ़ तथा जगदलपुर शहर सीवरेज मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है, जिससे नदियों में मिल रहे नाले नालियों के दूषित जल का शुद्धिकरण किया जा सके। बरसों से लंबित खारून सफाई योजना को मंजूरी दी है। बस्तर के जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। बिलासपुर में अरपा नदी की सफाई का बड़ा अभियान जन भागीदारी के साथ चलाया गया है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जनता अपने आस पड़ोस की नदियों को साफ रखने में मदद करे। इससे हमारी सरकार का उत्साह बढ़ेगा और हम सब मिलकर अपने शहरों को शुद्ध पानी भी दे सकेंगे और स्वच्छ परिवेश भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत हर्ष और गर्व के साथ अगली आवाज से आपको परिचित कराना चाहता हूं। ये आवाज है दंतेवाड़ा के सफाई कर्मचारी भाई विश्वनाथ की। मैं विश्वनाथ दंतेवाड़ा से बोल रहा हूँ, सफाई कर्मचारी। हम लोग प्रतिदिन सीमित संसाधन होने के बावजूद पूरे नालियों की सफाई का कार्य करते हैं, परंतु लोग पुनः नालियों में कचरा डाल देते हैं। नगर पालिका द्वारा बार बार अपील भी की जाती है कि वे ऐसा न करें साहब, परंतु विडम्बना है कि अपील बेहतर काबिल। अतः आपसे अनुरोध है कि लोकवाणी कार्यक्रम के जरिए आप भी छत्तीसगढ़ की जनता से संबंध में अपील करने की कृपा करें, जिससे आम जन में जागरूकता बढ़ सकता है। बस यही मेरा। भाई विश्वनाथ जी, बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच पर अपनी बात रखकर बहुत बड़ा काम किया है। आपकी आवाज यहां पहुंचने से हमारा यह कार्यक्रम सार्थक हो गया है, सफल हो गया है, और आपने बहुत बढ़िया बात कही है। ऐसी स्थिति के लिए हमारे पुरखे कहते थे, आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब अगर पहले किए गए काम का सम्मान न हो और उसे बनाकर नहीं रखा जाए तो बात का काम वैसे ही महत्वहीन हो जाता है। ये सिर्फ आपकी पीड़ा नहीं है, बल्कि हम सबकी पीड़ा है। शासन प्रशासन में काम करने वाले लोगों की भी पीड़ा यही है।
क्योंकि लगभग ये सभी शहरों और नगरों की समस्या है। मैं भाई विश्वनाथ की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे प्यारे शहरवासियों, कृपया आप लोग भी इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें। जिस तरह हमारे शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है, उसी तरह शहर की सफाई व्यवस्था नालियों पर निर्भर करती है। जब हम नाली में कचरा डालते हैं तो वहां से पानी बहना बंद हो जाता है। जब पानी नहीं बहता तो गंदे पानी से बदबू, मच्छर, कीड़े मकोड़े और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती है। इसलिए मेरी अपील है, घर या दुकान का कचरा नालियों में न डालें। विश्वनाथ भाई जैसे हजारों सफाई कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और मेहनत का सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, खैरागढ़ से गुलाब चोपड़ा, थान खमरिया से चेतन लाल साहू, सरायपाली से मनप्रीत सिंह राणा, कवर्धा से घुवाराम साहू और अनेक साथियों ने कहा है कि पहले महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करती थी। इस बार नगरीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में कई संशोधन किए गए हैं। महापौर और अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती थी, इस बार घटाकर 21 वर्ष किया गया है। इसका क्या लाभ होगा? साथियों, भाई गुलाब चोपड़ा ने तो काफी करीब से देखा है कि महापौर या अध्यक्ष के सीधे चुनाव में क्या दिक्कतें थी। वास्तव में ये दोनों पद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरह एग्जीक्यूटिव पद है। यदि पार्षदों का समर्थन नहीं मिलता तो नगर का विकास ठप पड़ जाता है। हम नहीं चाहते कि शहर का विकास राजनीति से प्रभावित हो, जैसे कि पिछले 15 वर्षों में किया गया था। पार्षद जब अपना मुखिया चुनेंगे तो नगरीय विकास का काम निर्बाध रूप से पूरा होगा। दूसरी बात, 21 साल वाली, जब 21 साल में कोई पार्षद बन सकता है तो मेयर क्यों नहीं बन सकता? हमें युवाओं को सम्मान देना, युवाओं को जिम्मेदारी देना, युवाओं पर भरोसा करना सीखना होगा। हमने प्रदेश को कुचक्रों से बाहर निकालने में सफलता पाई है और अब युवा जोश और ऊर्जा से राजनीति को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। शहरों का नियोजित विकास, उत्साह से भरपूर और खुशनुमा वातावरण का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, रतनपुर से मोहम्मद उस्मान कुरैशी और कोरबा से वेद प्रकाश नायक सहित कई साथियों ने नगरीय निकायों के राजस्व की चिंता की है। उस्मान कुरैशी का कहना है कि नगरीय निकायों के सारे तालाब बंद पड़े हैं, इनका उपयोग मछली पालन में किया जाना चाहिए। उस्मान भाई, धन्यवाद। यह बात मेरे ध्यान में है कि नगरीय निकायों के तालाबों से मछुआरों को दूर किया गया था। हम चाहते हैं कि मछुआ सहकारी समितियों को ये तालाब दिए जाएं, जिससे तालाबों की देखरेख भी होगी, नियमित सफाई होगी, मछलियां पाली जाएंगी, मछुआरों की आय बढ़ेगी और नगरीय निकायों को राजस्व भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, महासमुंद से सविता निषाद, संजय परमार, दुर्गेश साहू, कोरिया से प्रशांत सिंह गहरवार, प्रयाग दत्त मिश्रा, देवसुंदरा से चंद्रहास वैष्णव सहित अनेक साथियों ने जानना चाहा है कि नगरीय निकायों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। वैसे तो हमारी सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की वजह से हर क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जिसके कारण जो दुनिया में मंदी का दौर है और बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरी छीन रही है, छटनी कर रही है, इस दौर में भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कम हुई है। जहां तक नगरीय निकायों के योगदान का सवाल है तो पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा निर्मित दुकानों के किराए में कमी की गई है, ताकि स्वरोजगारी युवाओं को मदद मिले और वे अन्य लोगों को रोजगार दे सके। हमने जमीन की गाइडलाइन दर में 30% की कमी की है और छोटे भूखंडों के क्रय विक्रय से रोक हटाई है, जिसके कारण लगभग 1,00,000 सौदे हुए। एक जमीन बिकने पर दसियों लोगों को लाभ मिलता है। मकान बनता है तो बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, रेजा कुली से लेकर दुकानदार तक सबको रोजगार मिलता है। हमने गोमास्ता लाइसेंस के
वार्षिक नवीनीकरण में छूट देने जैसे कई कदम उठाए हैं, जिससे कारोबारियों का उत्साह बढ़ा है। शिक्षा कर्मियों, सहायक शिक्षक को नियमित वेतन, तबादले की सुविधा, स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। पौनी पसारी छत्तीसगढ़ में एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जिसमें आपसी सद्भाव, सहयोग और समरसता के सामाजिक माहौल में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। समन्वय की अर्थव्यवस्था हमारी बसाहटों में खुशहाली का आधार थी। आधुनिक बाजार व्यवस्था में यह परंपरा टूट रही थी, इसलिए हमने नगरी निकायों में पौनी पसारी बाजार व्यवस्था का संरक्षण तथा संवर्धन करने का निर्णय लिया है। मुझे खुशी है कि इस दीपावली में हमारी माटी के दियों से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली भी रोशन हुई है। हमारे गांव बस्तियों में बने पकवानों की खुशबू और मिठास हर घर में पहुंची है। गांव का पैसा गांव में ही आपस में एक दूसरे के काम आता है। हमारा प्रयास है कि हर हाथ को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिले। नए उद्योग नीति में इसके लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। किसानों, गरीबों, भूमिहीनों की आवाज भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। बहुत से श्रोता जानना चाहते हैं कि भूमिहीनों, आवासहीनों का इंतजार क्या अब जल्दी समाप्त होगा? हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक आंकड़ा बताता हूं, जब हमने सरकार की बागडोर संभाली तब प्रदेश में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत सिर्फ 8,000 मकान बने थे। बेशक योजना पुरानी थी, गरीबों के लिए हितकारी थी, लेकिन पूर्व सरकार पर भारी थी। उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए सिर्फ 8,000 मकान बने थे। हमने रुचि ली तो 11 महीने में 40,000 मकान बन गए। जमीन वही थी, जनसंख्या वही थी, काबिज वही थे, लेकिन गरीब जनता को काबिज भूमि पर अधिकार देने की इच्छा शक्ति नहीं थी। हमने राजीव गांधी आश्रय योजना का आगाज किया और कानून में संशोधन किया ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को उनके नाम से पट्टा मिले, नियमितीकरण हो। इस योजना का लाभ 1,00,000 लोगों को मिलेगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आबादी पट्टों का वितरण होने लगा है। किफायती आवास योजना के तहत 1,250 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 29,000 नवीन आवासों की मंजूरी दी गई है। अब आप देखिएगा कि सन 2022 तक सभी आवासहीनों का आवास उपलब्ध करा देंगे। आजकल समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बहुत चर्चा होती है। लोग जानना चाहते हैं कि जब नगरीय निकायों के कार्यालय हैं, अस्पताल हैं, तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की क्या जरूरत पड़ गई? बढ़िया सवाल पूछा आपने। छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ गठन के समय लोगों को लगा था अब उन्हें सरकार की सारी सुविधाएं बहुत पास मिलने लगेगी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का विश्वास टूटा। हमने महसूस किया कि जनहितकारी सुविधाओं के लिए वर्तमान प्रशासनिक इकाइयां पर्याप्त नहीं है। अब यह बहाना नहीं चलेगा कि लोग अस्पताल नहीं आते, लोग निगम के मुख्यालय या दूर दूर स्थित दफ्तर नहीं पहुंच पाते। हमने यह तय किया है लोगों तक पहुंचना, पीड़ितों तक पहुंचना, हताश और निराश लोगों तक पहुंचना, परेशान लोगों तक पहुंचना, बीमार लोगों तक पहुंचना, कुपोषित माताओं, बहनों, बच्चों तक पहुंचना सरकार का काम है। इसलिए हमने बस्तर से यह अभियान शुरू किया कि लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते पर हाट बाजार जाते हैं, तो क्यों न अस्पताल ही हाट बाजार में लगने लगे। इसी तरह शहरी बस्तियों के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी बीमारी की अनदेखी करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि शहरी बस्तियों के लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते तो अस्पताल उनके घर के पास पहुंच जाए। आप देखिए कि मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य केंद्रों में कैसा उत्साह का वातावरण है। जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ का 20वां स्थापना दिवस पहले 3 दिन के लिए प्रस्तावित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 दिन किया गया और इस बार सारे कार्यक्रम रायपुर शहर में ही हुए। इसे आप किस तरह के अनुभव या उपलब्धि के रूप में देखते हैं? इसका जवाब तो छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वयं दे दिया है। साइंस कॉलेज के मैदान में जिस तरह विशाल जनसमुद्र उमड़ा, उसने हमारे हर फैसले पर मुहर लगा दी है। जहां तक उपलब्धि का सवाल है तो 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि कि हमने अपने लक्ष्य के अनुरूप नई उद्योग नीति 2019-2024 जारी कर दी है। दूसरी उपलब्धि, छत्तीसगढ़िया कलाकारों की प्रतिभा और उनके चहेतों ने यह साबित कर दिया कि उनके कार्यक्रम किसी सेलिब्रिटी के मोहताज नहीं। और तीसरी उपलब्धि, छत्तीसगढ़ को अपना राजगान मिल गया है। छत्तीसगढ़ के महान जनकवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने जब अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार गीत की रचना की थी, तब उन्हें पता नहीं था कि यह गीत कैसे कैसे जन जन की जुबान में चढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि स्वयं यह गीत राज्य गीत का गौरव पाएगा। चिरा तोरे धोला में
तो श्रोताओं, अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 8 दिसंबर 2019 को होगा। विषय है आदिवासी विकास हमारी आस। इस विषय पर हमारे श्रोता अपने